तो उधर वाला एरिया है वो सारा हिंदुस्तान हुआ करता था, और ये वाला एरिया पाकिस्तान। इंडिया ने पूरा इस जगह को कब्जा किया, यहाँ आगे तक रातों रात में कैप्चर किया था इस जगह को पूरा इंडिया ने। हाँ हाँ, अभी आपको यहाँ पे पूरा पाकिस्तान के ज़माने का सब कुछ दिखेगा यहाँ पे इस जगह। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, माय नेम इज़ राहुल कोहली और आप देख रहे हैं आई एम कोहली यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा होगा कि हम लोग डिस्किट मॉनेस्ट्री पहुंच गए थे। हमने यहाँ पे एक होटल रूम लिया था विच इज़ दिस वन, था चुंग गेस्ट हाउस, जो कि हमारे को सिर्फ 800 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिला है। यहाँ पे सारा डेटा कॉपी हो रहा है, ये मेरा दूसरा कैमरा है, ये वॉशरूम है नीट एंड क्लीन। चलो गाइज अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये हमारी प्रॉपर्टी है गाइज, प्रॉपर्टी मतलब हमारी नहीं, ये गेस्ट हाउस है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। सो गाइज अभी हमने अपना होटल रूम छोड़ दिया है। गाइज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पेट्रोल पंप है पूरे नुब्रा का एक लौता है, बट अगर आपने पीछे देखा होगा तो एक और पेट्रोल पंप खुल गया है जो हमने कल दिखाया था। सो नाउ दे हैव टू पेट्रोल पंप्स एंड आई थिंक दिस वाज तो ऑलरेडी वर्किंग, सो नया वाला भी अभी चालू है। सो गाइज वन मोर अपडेट दे देता हूँ, आज हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जो डेस्टिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स त्याक्षी तुरतुक, एंड देर आर टू मोर विलेजेस चालुंका एंड डोंगटम विलेज। ये चारों जो विलेज है ना ये आते हैं बल्तिस्तान रीजन के अंदर। सो 1971 तक ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था एंड देन उसके बाद इंडिया ने इसका कंट्रोल ले लिया। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की जो है, वाली वीडियो को मिस मत करना क्योंकि बॉर्डर के पास की जो वीडियोस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होती है, एंड यू विल कम टू नो के हाउ क्लोज वी आर टुवर्ड्स द पाकिस्तान बॉर्डर और वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। आई विल ट्राई एंड गेट इन टच विद द लोकल पीपल इफ़ दे आर लाइक कम्फर्टेबल अपनी स्टोरी बताने के लिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि लोकल लोगों से बात करें कि जब 1971 से पहले तो उनकी लाइफ कैसी थी और जब इंडिया ने कंट्रोल कर लिया तो लाइफ कैसी हुई उनकी। तो बस ये सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करेंगे आगे, अगर इफ़ दे आर कम्फर्टेबल के कैमरे के आगे बता सके तो हम ज़रूर पूछेंगे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा अगर आप लद्दाख आ रहे हैं, पैंगोंग जा रहे हैं, हुंडर तक आ रहे हैं, नुब्रा वैली में आ रहे हैं आप, तो एक बार ज़रूर त्याक्षी की तरफ ज़रूर जाइए, वहाँ की हिस्ट्री को देखिए, वहाँ के जो विलेजेस बने हुए हैं जो पुराने तरीके से बने हुए हैं पाकिस्तान के टाइम के, उनको फील लीजिए, उनको देखिए, दिखाइए उसको। सो गाइस ये सामने अपने जितनी सैंड ड्यून्स आप देख रहे हैं और वहाँ पे क्लस्टर ऑफ पीपल है, बहुत सारे लोग हैं। सो ये है हुंडर, यहीं पर ही सैंड ड्यून्स पे आप डबल हम कैमल की सवारी कर सकते हैं आप लोग। गाइस अब हम हुंडर के अंदर एंटर कर चुके हैं। सो बस गाइस वीडियो में बने रहिए, अगर आपने अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं बार बार लाता रहता हूँ। सो गाइस वी आर जस्ट रीचिंग टुवर्ड्स कुरु विच इज़ अराउंड 5 kilometers फ्रॉम हियर, एंड अभी अभी जस्ट हमने क्रॉस किया है कुछ थॉयसे, क्या ही लैंडस्केप है, अमेजिंग फीलिंग गाइज, आई मीन वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गाइज वी हैव जस्ट रीच स्कुरु, ये स्कुरु का ब्रिज है, वी आर जस्ट क्रॉसिंग दैट एंड देन वी विल मूव टू वर्ड्स वॉक दैट, और स्कुरु से जो बॉक डैम की जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 34.4 kilometers। एंड गाइज वन मोर फैक्ट चेक, लाइक ये जितने भी किलोमीटर्स है और ये जो हाइट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट ऑल हैज़ टेकन फ्रॉम इधर गूगल मैप्स और गूगल से एंड विकीपीडिया से उठाई गई है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप थोड़ा मतलब देख लेना क्योंकि मैंने सारे फैक्ट्स वहीं से उठाए हैं।
सामने आप रिवर देख रहे हैं श्योक रिवर है, और इस टाइम पे इस रिवर का जो फ्लो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है एंड फुल फ्लो में बह रही है। सो और ये वाली रिवर जो है अभी हमारे साथ साथ चलेगी तुरतुक तक, तुरतुक के बाद ये मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। सो गाइज वी आर अबाउट टू रीच बॉगडैंग, वो यहाँ से डिस्टेंस है बॉगडैंग का 11 किलोमीटर, और सामने का रास्ता देखिए गाइज, बस और कुछ मत देखिए, सामने का रास्ता देखिए और लेफ्ट हैंड साइड पे अपने श्योक रिवर बह रही है। सो गाइज ये जो विलेज हम क्रॉस कर रहे हैं दैट इज बॉगडैंग विलेज। पानी बहुत है, मतलब ये देखो यहाँ से ही बह रहा है, हर जगह से यहाँ पे पानी ही पानी आ रहा है, और जो ये पानी आ रहा है ना गाइज वो बहुत ही क्लीन है, जो कि श्योक रिवर में जाके मतलब श्योक रिवर के जैसे हो जाता है, क्योंकि श्योक रिवर का जो पानी है सारा का सारा मिट्टी वाला पानी है श्योक रिवर का। तो गाइज चालुंका यहाँ से रह गया है, चालुंका विलेज विच इज अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। ये जो जगह आने वाली है ये बाल्टिस्तान रीजन के अंदर है, बाल्टिस्तान रीजन के अंदर है जो 1971 से पहले पाकिस्तान कब्जा लिया, बाल्टिस्तान है, एक राजा का एरिया था ये। बाल्टिस्तान का अपना कल्चर है, बाल्टिस्तान इंडिया नहीं था कभी भी, हिंद में काउंट होता था बाल्टिस्तान रीजन, तो आज भी है, हाँ कल भी था आज भी है। तो गाइस ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं ये श्योक रिवर के ऊपर से बना हुआ है, तो इस रिवर के जो उधर वाला एरिया है वो सारा हिंदुस्तान हुआ करता था और ये वाला एरिया पाकिस्तान। गाइज वी आर जस्ट क्रॉसिंग चालुंका, एंड जो चालुंका तुरतुक त्याक्सी और डोंगटम है ये चार जगह जो है ये आती है बाल्टिस्तान रीजन के अंदर, एंड 1947 से 1971 तक इस बाल्टिस्तान रीजन की ये जो चार मैंने जगहों का नाम लिया है इस पे कब्जा किया हुआ था पाकिस्तान ने, फिर उसके बाद 1971 के अंदर इंडिया ने इसको वापस ले लिया। सो अब ये इंडिया के कंट्रोल में ही है 1971 से अभी तक, एंड तुरतुक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है सिर्फ 10 किलोमीटर्स। सो 10 किलोमीटर बाद गाइज अब हम तुरतुक पहुँचने वाले हैं, एंड रोड कंडीशन देखिए गाइज, मतलब रोड की कंडीशन अभी तक बिल्कुल बहुत सही रही है, बिल्कुल प्लेन रोड्स मिले हैं, कुछ एक पैचेज है जहाँ पे थोड़ा खराब था रास्ता, अदरवाइज रोड्स हमारे को बहुत अच्छे मिले हैं। सो गाइज वी हैव जस्ट रीच एट सियाचिन वॉर मेमोरियल। सो वैसे कारगिल वॉर मेमोरियल की तरह नहीं है ये, बट यहाँ पे जितने भी अपने सियाचिन वॉरियर हैं उनके रोल ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सबका। ये जब आप तुरतुक की साइड जा रहे होते हैं डिस्किट से तो रास्ते में पड़ता है। सो इसको इनॉग्रेट किया था ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने, जिन्हें ऑन 6 अप्रैल 2000 को सियाचिन नहीं श्योक एक्सिस वॉर मेमोरियल। एंड गाइस इतनी ब्यूटीफुल जगह के अंदर ना सारी सराउंडिंग यहाँ पे अपनी माउंटेन्स के साथ है, एंड हवा चल रही है तेज़,
गाइस जब आप इस वाले एरिया के अंदर आते हैं ना, आपको एक अलग ही फीलिंग मिलती है। जो हमारे देश के जवान हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं और किस किस हार्श कंडीशंस के लिए के अंदर हमारे देश की रक्षा करते हैं। सो सैल्यूट है इन सबको। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड तुरतुक। तुरतुक पहुंचने के लिए हम लोगों को करीब 2.5 घंटा लग गया। और तुरतुक की जो हाइट है वो है 9595 फीट फ्रॉम द सी लेवल। एंड लद्दाख एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा एप्रिकोट होते हैं वो तुरतुक के अंदर ही होते हैं। एंड बाकी एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है नुब्रा वैली के अंदर, जब भी कोई विलेज आने वाला होता है या आता होता है तो वहाँ उस वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो गाइस यहाँ पे फुल अवेलेबिलिटी है। अगर आपको स्टे के लिए चाहिए या फिर खाना खाना है या फिर गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट सब अवेलेबल है यहाँ पे तुरतुक के अंदर। इफ़ यू वांटेड टू स्टे हेयर तो यहाँ पे रह सकते हैं आप। बट अभी हमारी डेस्टिनेशन ये नहीं है, हम इससे 4-5 किलोमीटर आगे जाएंगे टुवार्ड्स त्याक्षी विलेज। त्याक्षी विलेज से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर जाके एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है थांग। थांग विलेज में हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ लोकल लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं। तो श्योक रिवर को क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ है जिसको क्रॉस करके हम पहुँचते हैं थांग पे, जिसका ब्रिज का नाम है मुकुर। एंड बट वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकता। त्याक्षी से दो रास्ते कटेंगे, एक ऐसे जाता है एक ऐसे जाता है। त्याक्षी विलेज के लिए ऊपर जाना होता है और जो नीचे वाला है वो पाकिस्तान के लिए मतलब के लिए रास्ता जाता है। सो वहाँ पे तो अलाउड नहीं है जाना, वह आर्मी का चेक पोस्ट है वहाँ पे। सकता है वो सामने वाला पहाड़ पाकिस्तान हो, वो पीछे वाला हो सकता है। सामने वाला भाई, सामने दोनों के बीच सामने वाला नहीं। देखो ये है वो दो रास्ते, ये है वो दो रास्ते। हां ये वो जा रहा हूं ऊपर जिसके मैंने बारे में बताया था आपको। और यहां से लेफ्ट जाते हैं तो त्याक्षी विलेज है। तो थांग जाने की तो हमको परमिशन नहीं है, लोकल लोग ही जा सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं गाइज, ये सामने जो आप चेक पोस्ट देख रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान सिर्फ कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा सकता। सो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स त्याक्षी। जो त्याक्षी की जो चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना स्टीप है ये, हम इसके ऊपर अभी चढ़ रहे हैं। और कुछ कुछ लोग तो अपनी गाड़ी नीचे ही खड़ी कर चुके हैं क्योंकि उन्हें लगा होगा कि शायद नहीं चढ़ पाएगी। तो हमने तो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी ऊपर ही लेके जाए, फिर ऊपर एक पॉइंट आएगा वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद अपने को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। सो गाइज अभी हम पाकिस्तान बॉर्डर से करीब करीब सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे ही हैं। एंड ये जो एरिया जहाँ पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये बल्तिस्तान रीजन के अंदर आता है। द नेम ऑफ द विलेज इज त्याक्षी। जगह को कब्जा किया यहाँ आगे तक। अब ये अभी आपको वहाँ से दिखेगा, हाँ। स्कूल के सामने से रातों रात में कैप्चर किया था इस जगह को पूरा। अभी हाँ अभी आपको यहाँ पे पूरा पाकिस्तान के ज़माने का सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। जी जी